यहाँ पे एंट्री होती है स्विंग ब्रेकआउट पे तो ये ब्रिक का हाई टूटने पर आपकी एंट्री होती है आपका स्टॉप लॉस होता है ये जो बेरिश ब्रिक बनी है और ये दो चीज़ें आ गई तो तो आपके ट्रेडिंग में और एक एज आ जाएगी तो बहुत लोग ना मैंने देखा है कितने सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में रेंको से तो आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका मिलता है कि एग्जैक्ट आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है एग्जैक्ट आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में रेनको चार्ट्स में बहुत सारे पैटर्न्स हैं कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इनको कैसे ट्रेड किया जाए पिछले वाले वीडियोस में आपने अगर नहीं देखा है तो पैटर्न और ट्रेंड को मैच करके हमने एक सेटअप के बारे में बात की थी हमने रेनको चार्ट के ऑब्जेक्टिविटी के बारे में भी बात की है तो एक बार पिछले वाले वीडियोज़ को भी जाके देखिए और गौर से एक ऑब्जेक्टिव तरीके से रेनको चार्ट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में मोमेंटम के ट्रेडिंग पैटर्न जो है बेसिकली वन बैक एंड टू बैक पैटर्न एंकर कॉलम का पैटर्न और हम बात करेंगे जिक्सैक पैटर्न के बारे में आइए देखते हैं थोड़े एग्जांपल्स और साथ में आइडेंटिफाई करते हैं ये पैटर्न को कैसे समझते हैं वन बैक बुलिश पैटर्न पहला वाला पैटर्न जहां पे ट्रेंड uh, बुलिश है तो पिछले वाले एटलीस्ट दो बुलिश ब्रिक्स होने चाहिए फिर पुल बैक बाय ओनली वन ब्रिक एंड कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्विंग ब्रेकआउट बाय टू मोर बुलिश ब्रिक्स तो ये जो स्विंग हाई ब्रेकआउट और ये जो एक बेरिश ब्रिक बनी है क्योंकि एक बुलिश स्विंग में ओनली पुल बैक आया ओनली वन ब्रिक से तो इतना मोमेंटम स्ट्रांग था वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कि कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड हैपन जस्ट बाय पुल बैक शैलो पुल बैक आया और प्राइस ऊपर वापस स्विंग ब्रेकआउट करके भाग गई यहाँ पे एंट्री होती है स्विंग ब्रेकआउट पे तो ये ब्रिक का हाई टूटने पर आपकी एंट्री होती है आपका स्टॉप लॉस होता है ये जो बेरिश ब्रिक बनी है उसके एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा तो एक ऑब्जेक्टिव तरीका कहाँ पे आपको एंट्री और स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है ये देखिए एग्जाम्पल ये एक स्विंग पुल बैक बस एक ब्रिक से पुल बैक आया प्राइस वापस भाग गई वापस वन बुक ब्रिक पुल बैक प्राइस ऊपर सो so, जब स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है तब आपको एंट्री लेनी है लॉन्ग एंट्री और स्टॉप लॉस है वन ब्रिक बिलो द बेरिश ब्रिक यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है हमेशा वन बैक और टू बैक के जो पैटर्न्स हैं ये मोमेंटम में बनते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बुलिश या बेरिश इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ भाग रही है छोटा सा पुल बैक दे रही है और वापस रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड सिमिलरली जब बेरिश स्विंग होगा तो स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड है छोटा सा पुल बैक एंड देन कंटिन्यूज इन द बेरिश डायरेक्शन और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम है पुल बैक विथ वन ब्रिक एंड कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन दिस इज वॉट इज वन बैक पैटर्न और ये एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो ऑब्जेक्टिव एंट्री ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस दैट द ब्यूटी ऑफ रेनको चार्ज अगला एग्जाम्पल वन बैक बेरिश पैटर्न का ये देखिए स्विंग है पुल बैक है और वापस कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डायरेक्शन स्विंग ब्रेक डाउन पे यानी ये ब्रिक का लो टूटने पे आपका एंट्री है शॉर्ट एंट्री और आपका स्टॉप लॉस है ये बुलिश ब्रिक के एक ब्रिक ऊपर तो अगेन ऑब्जेक्टिव एंट्री ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हम कोई सट्टा नहीं कह रहे हम एक बाकायदा प्रोसेस बाकायदा तरीके से हम रेनको चार्ट को ट्रेड कर रहे हैं आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स वन बैग बेरिश के ये देखिए एक अच्छा खासा स्विंग बेरिश वन बैक का पुल बैक कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डायरेक्शन वन बैक पुल बैक कंटिन्यूएशन बेरिश डायरेक्शन सो ये जब स्विंग लो टूट रहा है आपको शॉर्टिंग की एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस होगा ये ब्रेक के ऊपर साथ में अगर आप मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड को यहाँ पे एक इंडिकेटर के तौर पे ऐड कर रहे हो तो इट विल एड अ एज टू योर ट्रेडिंग ये रहा और एक एग्जाम्पल स्विंग वन बैक बेरिश पुल बैक डाउन

आप भी रेनको कैसे रीड करते, करते हैं ये सब इन चाहते हो, तो आप कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे चेकआउट कर सकते हैं इसमें हमने रेनको यूज़ करके कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया है अलॉन्ग विध से टम एक अफोर्डेबल स्टॉप लॉस देता है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो आपको पर्टिकुलर ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका भी मिलता है टू बैक बैक एंड वन द फीचर्स आर द सेम कि एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है मोमेंटम का इंडिकेशन देता है एक ऑब्जेक्टिव और अफोर्डेबल स्टॉप लॉस देता है तो ये तीन की फीचर्स है वन बैक ऑन टू बैक के पैटर्न के वन बैक पैटर्न में और भी स्टॉप लॉस छोटा होता है टू बैक में थोड़ा सा वन बैक से ज्यादा स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा रहेगा अब टू बैक पैटर्न में होगा क्या एटलीस्ट तीन बुलिश ब्रिक्स पुल बैक विथ टू बेरिश ब्रिक्स एंड देन दैट स्विंग ब्रेकआउट तो सिमिलर तरीका सिर्फ यहाँ पे जो पुल बैक होगा इन टू बैक बुलिश पैटर्न में वो सिर्फ एक ब्रिक से होगा स्विंग ब्रेकआउट Uh, पे आपकी एंट्री यानी ये हाई टूटने के बाद आपकी एंट्री होगी आपका स्टॉप लॉस होगा ये ब्रिक है उसके एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा तो ऑब्जेक्टिव तरीके का एंट्री अगेन आई एम लेइंग अ स्ट्रेस की रेनको चार्ज आर वेरी ऑब्जेक्टिव आप एग्जैक्टली exactly आपको पता है एंट्री कहाँ लेनी है आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स करना है और ये दो चीजें आ गई तो यू नो ट्रेंड के साथ आप अगर चलते हैं जिसके लिए आप मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड को अगर इसके साथ कंबाइन करते हो तो आपके ट्रेडिंग में और एक एज आ जाएगी uh, तो टू बैक बेरिश पैटर्न के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ये देखिए ये स्विंग है पुल बैक बाई टू ब्रिक्स एंड कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन ये जब स्विंग हाई ब्रेकआउट हो तो हमें स्विंग एंट्री मिलती है हमें एग्जैक्ट पता है कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है स्टॉप लॉस ये बेरिश ब्रेक के एक ब्रेक नीचे होगा और थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं ये देखिए है। यहाँ पे ये एक स्विंग स्विंग है बुलिश बुलिश पुल बैक बाय टू ब्रिक्स एंड कंटिन्यूएशन इन द डायरेक्शन जब स्विंग हाई टूटता है तब हमें एंट्री मिलती है हमारा स्टॉप लॉस होगा ये ब्रेक के एक ब्रेक नीचे अब टू बैक बेरिश पैटर्न के बारे में बात करते हैं एक स्विंग होगा बेरिश स्विंग पुल बैक बाय टू बुलिश ब्रिक्स एंड कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डिरेक्शन ये जब स्विंग लो टूटेगा तब हमें एंट्री मिलेगी सो so ये लो के नीचे हमारा शॉटिंग अपॉर्चुनिटी स्टॉप लॉस होगा बुलिश ब्रिक के एक ब्रिक ऊपर तो एक अगेन आई स्ट्रेस एंड ले इम्पोर्टेंट्स की एक ऑब्जेक्टिव तरीका एंट्री का और स्टॉप लॉस का हमें पैटर्न के साथ मिल जाता है एग्जाम्पल्स देखिए स्विंग पुल बैक बाई टू ब्रिक्स एंड कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डिरेक्शन और एक एग्जाम्पल देखते हैं ये देखिए स्विंग यहाँ पे बेरिश था पुल बैक बाई टू ब्रिक्स पुल बैक ब्रेक डाउन पुल बैक ये स्विंग हाई का हाई अभी भी ये पुल बैक में नहीं टूटा कंटिन्यूएशन इन द बेरिज डिरशन जब यहाँ पर शॉर्टिंग की एंट्री ली तब हमारा स्टॉप लॉस था ये एक ब्रिक के ऊपर सो स्विंग लो पुल बैक अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें तो हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लो लोअर लो लोअर लो तो स्ट्रक्चर है बेरिश और यहाँ पे एक पुल बैक टू बैक बेरिश की अपॉर्चुनिटी एंट्री एट द ब्रेक ऑफ द स्विंग लो स्टॉप लॉस वन ब्रिक हायर अबाउ दिस स्विंग हाई एंड कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेड इन द बेरिश डिरेक्शन। अगले पैटर्न की बात करते हैं पैटर्न है जिक्जैक्ट पैटर्न पैटर्न में होता क्या है कि ये यूज़ुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है ना बेयर्स को पता है प्राइस को ऊपर लेके जाना है ना बुल्स को पता है कन्फ्यूजन क्लियर होने के बाद जैसे कैंडलस्टिक में डोजी होता है ना कि कन्फ्यूजन है या स्पिनिंग टॉक बनता है जहाँ पे कन्फ्यूजन है वी डोंट नो एग्जैक्टली वॉट द ट्रेंड इज गोइंग टू इमर्ज नी द बुल्स नो ना द बेर्स नो तो वहाँ पे जब पैटर्न इमिज इवेंचुअली इमर्ज होगा तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि हाँ ये जिक्सैक्ट पैटर्न के बाद बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न इमर्ज हो रहा है तो जिक्जैक्ट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें जिक्जैक्ट पैटर्न में पांच ब्रिक्स होती है एक पहली वाली बेरिश ब्रिक होगी फॉलोड बाय बुलिश ब्रिक सो so, बुलिश ब्रिक फॉलोड बाय बेरिश ब्रिक अगेन सो so, ये फाइट चल रही है बुल्स और बेर्स के बीच में बेरिश ब्रिक के बाद वापस बुलिश ब्रिक तो ये चार ब्रिक्स में ना बेरिश ब्रिक ना बुलिश ब्रिक ना बेर्स बिन पाए ना बुल्स बिन कर पाए इवेंचुअली जो फिफ्थ ब्रिक बनती है वो हमें इंडिकेट करती है कि किस तरफ प्राइस आगे बढ़ेगी सो वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ ब्रिक टेल्स यू दैट येस दिस इज अ बुलिश ट्रेंड विच इज इमर्जिंग एंड देर इज अ सपोर्ट आउट हियर विच इज इमर्जिंग अकॉर्डिंग टू दिस बुलिश इज एग्जैक्ट पैटर्न तो फिफ्थ ब्रिक बनने के बाद जो सिक्स्थ ब्रिक यानी ये फिफ्थ ब्रिक का हाई जब टूटेगा तब आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा ये जो बैरिश ब्रिक बनी है उसके एक ब्रिक नीचे वापस एक ऑब्जेक्टिव एंट्री एक ऑब्जेक्टिव तरीका स्टॉप लॉस का आगे एग्जांपल्स देखते हैं ये देखिए ये बैरिश ब्रिक बुलिश ब्रिक बरिश ब्रिक बुलिश ब्रिक कन्फ्यूजन

एक सपोर्ट एरिया दर्शाता है दर्शाता है पैटर्न और कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन और एक एग्जांपल ये देखिए बेरिश ब्रिक फिफ ब्रिक कंफर्म वापस एक बुलिश बेरिश ब्रिक का पैटर्न बना और प्राइस ऊपर की तरफ भाग गई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनी और प्राइस ने दिखा दिया कि इट्स रेडी टू कंटिन्यू इन द बुलिश डायरेक्शन अब बेरिश जिग्जैक्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं

तो जिक्जैक्ट पैटर्न एक इंडिकेट करता है कि एक रेजिस्टेंस बन गया है वी कैन लुक फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम जब ये ब्रिक का लो टूटता है फिफ्थ ब्रिक का लो टूटने के बाद आपकी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आती है आपका स्टॉप लॉस होगा एक ब्रिक यहाँ पे ऊपर बुलिश ब्रिक के एक ब्रिक ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा तो शॉर्टिंग के लिए ऑब्जेक्टिव एंट्री अगेन ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस इज अगेन विद द हेल्प ऑफ रेंट को एग्जाम्पल देखते हैं देखिए एक अच्छा खासा बुलिश स्विंग चल रहा था प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया अब देखिए लोअर हाइज बनने लगे लोअर लोज बनने लगे साथ में एक जिग्जैक्ट पैटर्न बना सो so, बुलिश ब्रेक बैरिश ब्रेक बुलिश ब्रेक बैरिश ब्रेक, द फिफ्थ ब्रेक कन्फर्म दैट दिस इज अ बेरिश पैटर्न तो आपका एंट्री ये ब्रेक टूटने के बाद लो टूटने के बाद ये ब्रेक का आपका एंट्री होगा और एक ब्रिक यहां पे ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से प्राइस ने कंटिन्यू की अपनी डाउनवर्ड जर्नी यहां पे तो ऑलरेडी एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो गया था एक रेजिस्टेंस के तौर पे zigzag पैटर्न ने एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की एरिया दिखा दी यहां पे देखिए आगे जाके कई समय तक ये लेवल को प्राइस ने नहीं तोड़ पाया तो एक हमें इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दिखाता है इज पैटर्न तो बुलिश ब्रिक बेरिश ब्रिक बुलिश ब्रिक बेरिश ब्रिक फिफ्थ ब्रिक कन्फर्म दैट द पैटर्न इज बेरिश यू कैन टेक एंट्री वेन द लो ऑफ दिस ब्रिक प्रिंट्स विच हैपेंड हियर एंड आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे एक ब्रिक ऊपर तो ये हुआ एक ऑब्जेक्टिव तरीका टू ट्रेड पैटर्न पैटर्न हमें एक स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लिए दर्शाता है साथ ही में एक ऑब्जेक्टिव एंट्री टू ट्रेड द पैटर्न भी हमने देखी एंकर ब्रिक के बारे में बात करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये मोमेंटम दिखाता है जब एक लड़ी बनती है ना ब्रिक्स की जैसे टेन बुलिश ब्रिक्स इन अ रो टेन या उससे ज्यादा और टेन या उससे ज्यादा बेरिज ब्रिक्स इन अ रो इसको कहा जाता है एंकर पैटर्न एंकर पैटर्न दिखाता है कि यहाँ पे मोमेंटम किस तरफ है हु इज पावरफुल मोर देन टेन ब्रिक्स इन अ रो फॉर्म बाय द बुल्स और मोर देन टेन ब्रिक्स इन अ रो फॉर्म बाय इन द फॉर्म ऑफ इज स्विंग इंडिकेट दैट द पैटर्न और द ट्रेंड ऑन गोइंग इज इन द ग्रिप ऑफ बुल्स और द बेयर्स प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हेल्प अंडरस्टैंड कि एक ट्रेंड क्या है और हम यहाँ पे कौन से पैटर्न देख सकते हैं तो जो हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं उसमें हमने एक और फीचर ऐड किया कि अगर साथ में एंकर कॉलम्स एंकर ब्रिक्स बन रहे हैं तो हमें और एक इंडिकेशन मिलता है कि किस तरफ ट्रेंड का रुख है तो उस तरफ के हम पैटर्न ढूंढेंगे और उस तरफ का हम ट्रेड सेटअप्स ट्रेड करेंगे अब ये देखिए एक एंकर ब्रिक कैसे दिखता है ये एक एंकर ब्रिक है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक ब्रिक के लिए भी प्राइस रिवर्स नहीं हुई है कंटिन्यूस एक लड़ी बनी है एक चेन बनी है बुलिश ब्रिक्स की ये देखिए बुलिश ब्रिक का और एक एंकर यू नो पैटर्न तो जब एंकर पैटर्न के बाद छोटा सा पुल बैक मिले तो स्विंग ब्रेकआउट पे आप ट्रेड सेटअप के लिए एंट्री देख सकते हैं ऑफकोर्स बेरिश स्विंग के नीचे एक ब्रिक पे आपका स्टॉप लॉस होगा आगे देखिए देखिए ये देखे, आ, ब्रिक्स बेरिश मोमेंटम है, है ये पुल बैक यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टिसिपेशन की तो बहुत लोग ना मैंने देखा है इतने सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक बार कोई पर्टिकुलर ट्रेड शुरू हो जाए समझिए कोई गैप अप में पर्टिकुलर स्टॉक ओपन हो गया या यूरो डाउन में ओपन हो गया तो ऑब्वियसली दो या तीन टक्के से अगर गैप डाउन या गैप अप में ओपन होता है तो एंकर ब्रिक्स तो बनती है एक के बाद एक के बाद एक बनेगी तो लोग कहते हैं कि अब तो ये हाथ से निकल गया लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर एंकर ब्रिक बनी है तो नेक्स्ट पुल बैक आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो ट्रेंड में पार्टिसिपेशन के लिए जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखिए ये एंकर कॉलम बना ये जो पुल बैक आई ना यहाँ पे आप रेडी हो सकते हो कि चलो अब इसका स्विंग लो जब टूटेगा तब हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेरिश ट्रेंड में और एक एग्जाम्पल ये देखिए ये एक लड़ी बनी एक चेन बनी बेरिश ब्रिक्स की उसके बाद ये जो पुल बैक आया स्विंग लो टूटने पर एक अपॉर्चुनिटी मिली टू पार्टिसिपेट इन दैट ट्रेंड तो ये जो बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि अब तो ये भाग गया भाग नहीं गया दो तीन टक्का ही तो डाउन यू नो गैप डाउन या गैप अप हुआ है और आगे का चार पाँच टक्के का अगर मूव मिल रहा है दिन में आपको पार्टिसिपेशन के लिए ये पुल बैक के स्विंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है तो पार्टिसिपेट इन दैट ट्रेंड Renko से तो आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका मिलता है कि एग्जैक्ट आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है एग्जैक्ट आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो एंकर ब्रिक मैं इसको बहुत एट्रीब्यूट्स करती हूँ मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ क्योंकि मुझे एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे एक मौका मिलता है सो so, ये हमने देखा ये वीडियो में काफी सारे पैटर्न्स देखे एक मोमेंटम के पैटर्न्स देखे जैसे वन बैक टू बैक के पैटर्न्स देखे जिग जिक्सैक पैटर्न देखा एंकर ब्रेक पैटर्न देखे सारे पैटर्न्स में आपने एक नोटिस किया होगा क्या नोटिस किया सही है ऑब्जेक्टिव तरीका ऑब्जेक्टिव तरीका एंट्री का ऑब्जेक्टिव तरीका स्टॉप लॉस प्लेस करने का और पिछले वाले वीडियोज में तो हमने टारगेट भी कैसे फाइंड आउट किए उसका भी एक ऑब्जेक्टिव तरीका हमने देखा है सो रेनको चार्ट एक हमें ऑब्जेक्टिव तरीका देता है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रेंड एक एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव एंट्री साथ में स्टॉप लॉस और ट्रेड करने का सही तरीका इसको एक्सप्लोर करिए और एंजॉय करिए रेंको चार्ट्स को